अरविंद जी के आने से सरकार को जो दिशा मिलती है वो तो अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। अरविंद जी होते हैं तो हर चीज का रोज डिस्कशन हो सकता है उनसे, कैबिनेट मीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी फाइलें हैं जिसके ऊपर हम भी फैसला करने से पहले मुख्यमंत्री जी से परामर्श करना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी हैं जो पूरी सरकार को दिशा निर्देश देते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा सरकार ही नहीं, पूरी पार्टी को भी स्ट्रैटेजी बताने में, कम्युनिकेशन समझाने में, आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री की जो भूमिका है, ऐसी भूमिका किसी की हो ही नहीं सकती, मतलब कोई आसपास भी नहीं है उनके। तो मेरा ये मानना है जब जब हमारी पार्टी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो भगवान जो है, हनुमान जी जो है, उनके लिए आए हैं, हमारी पार्टी की मदद के लिए आए हैं, और उन्होंने जो है किसी तरीके से भी संजीवनी, जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाए हनुमान जी, ऐसे पार्टी के लिए भी संजीवनी जो है हर बार जो है हनुमान जी लाते हैं। अब क्या आपकी जश्न की तैयारी रहेगी? क्या आप निर्देश दे रहे हैं तमाम वॉलेंटियर्स को, ये और बता दीजिए। हाँ देखिए ऐसा तो अभी कोई प्लान हुआ नहीं, वो तो हम सब साथ ही बैठेंगे तो साथ में चर्चा करेंगे, मगर मुझे लगता है कि बहुत सारी माओं की बहनों की दुआएं जो है मुख्यमंत्री जी के साथ थी। जब जब हम बाहर निकलते थे लोग पूछते थे कब आएंगे भाई, कब आएंगे, कब आएंगे, और हम लोग भी ये मानते थे कि भैया लोअर कोर्ट में कुछ होगा नहीं, हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में ही अंततः जो है कोई राहत मिलेगी। मगर इस तरीके से एक लोअर कोर्ट द्वारा राहत दिए जाना, मैं बता रहा हूँ ये पूरी जुडिशरी के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा पैगाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भारद्वाज, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत वो बता रहे हैं। अमित भारद्वाज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा लगातार हमारे साथ हैं। यहां दो बातें हैं अमित, पहला ये कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से बार बार कहा गया कि कल्पना पर आधारित ये केस, और ईडी के वकील लगातार ये कहते गए कि ये भ्रष्टाचार है, 100 करोड़ की रिश्वत है, मनी लॉन्ड्रिंग है, सब कुछ है, तो फिर अदालत से जमानत कैसे मिली अमित? अमित हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सईद, अगर आप अपना सवाल दोहरा हम पाए ये कह प्लीज। रहे हैं कि दो, देखिए दो बातें हैं, एक ईडी ईडी के वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील, जमानत याचिका पर जब सुनवाई हो रही थी कल्पना पर आधारित केस बताया अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने, कहा कि ये तो सिर्फ ईडी ने कल्पना कर ली, नकली केस बना दिया, राजनीति से प्रेरित ये केस है। और उधर ईडी के वकीलों ने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई आबकारी जनता के नीति लिए, में। देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है, हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के। और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं, बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम बयानों को आज के कोर्ट में किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है, और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुट्टी है। ये सच्चाई की जीत है, हम डे वन से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं, इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार है सब लोग बाहर आएंगे सत्यमेव जयते। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और आने वाले वक्त में लड़ेगी। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है भाजपा के चेहरे पर काली पुती फंसते कहने के बाद। ऊपर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और
आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है, अदालत ने उनकी दलीलों पर भरोसा किया है, राजनीति से प्रेरित और कल्पना पर आधारित ये केस बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के लिए, अब ये संजय सिंह का बयान देखिए, देश की जनता खुश है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, तो ये संजय सिंह कह रहे हैं। केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया, संजय सिंह राज्यसभा के सांसद, अदालत पर भरोसा है सत्य की जीत होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिलीप पांडे अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। तो आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही है। देश की जनता के लिए खुशी का दिन आज, संजय सिंह बता रहे हैं, जो कि खुद भी जेल में थे और कुछ दिन पहले वो भी जमानत पर बाहर आए हैं। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के घर और दफ्तर दोनों जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, वो जश्न मना रहे हैं। और ईडी की ओर से जो वकील पेश हुए थे एसवी राजू, उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन अदालत ने ईडी के वकीलों की दलीलों पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलों को भारी माना और फिलहाल उन्हें जमानत दे दी है। पंकज जैन हमारे संवाददाता, पहले दिन से कह रहे थे ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज जो अरविंद केजरीवाल डे वन से कह रहे थे, आज वो साबित हुआ और मान लिए कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, झूठे केस में सभी नेताओं को बताया गया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उन तमाम बयानों को जो कोर्ट में आज दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, उसको किस तरीके से और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के संगठन को बल मिलेगा, क्योंकि देखिए जो ये वकील उनके ये कहानी बता रहे हैं, अब देश की एक एक जनता को याद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वही कहानी, हाई कोर्ट में वही कहानी, लोअर कोर्ट में वो कहानी, अब उसका वकील शुरू करता है जनता के साथ अब ये कहने वाला है। तो कहानी के बुनियाद पे आप किसी को प्रमाण बंद नहीं कर सकते, कुछ दिन तो रख सकते हो। आज ये साबित हुआ कि पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी को रची गई, ईडी किरदार था और वकील वही कहानी कोर्ट में कह रहा था। आज जो बेल मिला है इससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन जो कह रहे थे कि ये केवल फंसाने की साजिश है, पॉलिटिकल झंडा लेने की कोशिश है, आज वो साबित हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं यहां पर मिल रही हैं। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद ये कहते हैं कि ये देश की जनता की जीत हुई है, न्याय हमें मिला है। हमारे संवाददाता लगातार हमें साथ हैं, मनीष पांडे भी जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या हुआ अदालत में और ये अरविंद केजरीवाल को अभी तक कहां कहां किस किस अदालत में गए और कैसे यहां जमानत मिली राउज एवेन्यू कोर्ट में, बताइए। बिल्कुल, अगर बात करें बेल मिलने की, इसके पहले आपने देखा था कि एक बार पहले जब बेल मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी कंडीशन पर बेल दिया था कि आप सिर्फ चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। जो उस समय आरोप लग रहे थे कि चुनाव के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा है आम आदमी पार्टी को, उसी के बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी रेगुलर जमानत है उसको लेकर उन्होंने कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी और उसमें यही कहा गया था कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, वो लगातार अपनी तरफ से कह रहे थे कि जो पैसों की लेन देन है उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास थी, वो एक किंगपिन थे, षड्यंत्रकारी थे और पूरा का पूरा जो घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का हाथ था और उनकी जानकारी थी। लेकिन जब मामले की पूरी सुनवाई हुई तो जो कोर्ट है उसने अरविंद केजरीवाल का पक्ष सुनते हुए अरविंद केजरीवाल को फिलहाल के लिए जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया हुआ, यानी कि 1,00,000 रुपए का जब निजी मुचलका दे दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो वो जेल के बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सर ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, वो इस फैसले के खिलाफ में जो ऊंचे की जो बड़ी अदालत है वहां पर कोई एप्लीकेशन डालता है या नहीं डालता है। अगर डालता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, पंकज भी हमारे साथ है। मनीष, पंकज, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की वो एक ईमानदार वाली छवि पर एक बहुत बड़ा ये धब्बा था, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगना, जेल जाना,
हालांकि अभी ट्रायल बाकी है, हालांकि अभी निर्णय बाकी है, लेकिन इस जमानत से क्या वो दाग धब्बे धुल पाएंगे? बहुत सी प्रक्रियाएं बाकी है, लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति को समझते हैं तो यह हमें देखा होगा कि मोदी की गिरफ्तारी पिछले साल 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है, उन्हें कोर्ट में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिल पाई, लेकिन पंकज जैन हमारे संवाददाता की आवाज ठीक नहीं आ रही है, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम यहां पर देखिए आपको खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू अदालत दिल्ली ने जमानत दे दी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को यह बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए यह नियमित जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे, हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। वहीं चुनाव होते ही 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ा था, दिल्ली की तिहाड़ जेल, लेकिन अब उन्हें 18 दिन बाद फिर से ये जमानत मिली और ये नियमित जमानत है। 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को अदालत ने ये जमानत दी है। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किया गया था और जमानत याचिका दायर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से की गई थी। और ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ऐश्वर्या से भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी दलील अरविंद केजरीवाल के वकीलों की थी जिस पर अदालत को ये जमानत देनी पड़ी? संजय, क्योंकि अभी पूरा निर्णय आना तो बाकी है, वो शायद आपने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि कौन सी दलील भारी पड़ गई ईडी के वकीलों की दलील पर? संजय, इसमें मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी दलील जो भारी पड़ी है वो ये पड़ी है कि इनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवाहों के बयान, आरोपियों के बयान, और उन आरोपियों के बयान जो खुद ही उन गवाहों के बयान जो खुद ही आरोपी रहे हैं उन पर भरोसा कर रही है। सिर्फ जबानी जमा खर्च है, मनी ट्रेल नहीं मिला है, बिना सबूतों के अदालत निर्णय करेगी कैसे? और बिना सबूतों के ये सारा मामला है। ये मुझे लग रहा है कि यही सारी चीजें, जो टाइमिंग की बात की थी कि चुनाव के ठीक पहले हमें गिरफ्तार किया गया, ये हमारी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी को कम करना चाहते हैं, एक साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया है, ये राजनीतिक वेंडेटा के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो इन सारी चीजों का असर पड़ा होगा। और चूंकि मैंने बताया कि अवकाशकालीन ये रेगुलर अदालत नहीं थी, रेगुलर जज ये नहीं है जो लगातार इस मामले को सुन रही हैं, ये अवकाशकालीन अदालत लगी हुई थी और उसमें एक हफ्ते के लिए गर्मी छुट्टियों में इंतजाम किया जाता है ताकि अर्जेंट मामले सुने जा सके। और संयोग से इसी समय अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त होने वाली थी, जाहिर है कि न्यायिक हिरासत 19 जून तक थी, 19 जून का मामला था तो 19 जून को उन्हीं की अदालत में पेशी हुई और उसके बाद वहां पर जब इसमें विस्तार से सुनवाई हुई तो ये अदालत का ये फैसला आया है। और जाहिर है कि ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए और इनके लिए राहत भरी खबर है। और एक बार अदालत में ये ऐसा लगता है, ऐसा जो इतने साल का अनुभव है कि एक बार अगर जमानत मिल जाए तो फिर वापस उस जमानत को रद्द होने में बहुत सारा टाइम लगता है, और एक बार अगर स्टे मिल जाए तो उसके बाद स्टे वैकेट होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मुझे भी ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो राहत का समय है, इनको एंजॉय करने दिया जाए। ठीक है संजय, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है। संजय शर्मा, मुनीश पांडे, पंकज जैन और ऐश्वर्या पालीवाल, ऐश्वर्या भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, एक ऐसा नेता जिसकी कट्टर ईमानदारी वाली छवि को पोट्रे करके वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, लगातार चुनाव जीतता है, प्रचंड जीत प्राप्त करता है और उसी ईमानदार छवि वाले नेता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं, 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हैं और आज जमानत। अदालत ने क्या ईडी की दलीलों को, क्या ईडी के भ्रष्टाचार के आरोपों को, फिलहाल हम ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, हम निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल नहीं मानते हुए ये जमानत दी है, क्या कहेंगे आप? ऐश्वर्या, हमारी आवाज आप सुन पा रही हैं? जी सही जी। ऐश्वर्या, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना
आखिर अदालत ने क्या उनके वकीलों की बात मानी इतने गंभीर आरोपों के बाद भी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला, आबकारी नीति, क्या हुआ होगा, क्या हुआ है, क्या जानकारी मिल पाएगी आपको? देखिए मैं आपको बता दूं सईद, एक चीज जो बहुत स्पष्ट है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जब पहले भी जब बेल ग्रांट की हुई थी तो उन्होंने ये साफ कहा था कि वो चाहते हैं कि वो कैंपेन करें, तो तभी से ये जो मामला है ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में जा रहा है और आज वही हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं अब इंतजार हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज बाहर निकलेंगे या कल बाहर निकलेंगे। जो अभी समझ आता है वो बाहर निकलेंगे जेल से कल, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट जरूर सेट होगा सईद, यानी कि वो सभी लोग जो इस समय जेल के अंदर हैं, वो सारे नेता जो एक एक करके जेल के अंदर गए थे, हो सकता है कि यहां से उनका एक रास्ता निकले। और कोर्ट ने ये बात भी स्पष्ट की थी जब पहले कैंपेन के दौरान 21 दिन के लिए जब उनको मोहलत दी गई थी वो बेल पे बाहर आए थे, तो ये बात सही कही गई थी कि आपका जो बेल है वो रेगुलर बेल के तहत नहीं, बल्कि हम आपको इसीलिए एग्जम्पशन दे रहे हैं क्योंकि आपका जो काम है कैंपेनिंग का वो थोड़ा सा अलग हटके है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से जो ईडी की जो दलीलें थी, जो सीबीआई की दलीलें थी, थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आई, और यही कारण था कि अब की बार ये जो बेल है इसको ग्रांट किया गया है। अरविंद केजरीवाल तो बाहर आएंगे ही, दिल्ली की सरकार को पहले जेल से चला रहे थे, अब बाहर आके चलाएंगे। उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा सईद, लेकिन एक प्रेसिडेंस जो है वो जरूर सेटअप होगा। अब आप देखिएगा एक के बाद एक बाकी सारे नेता जो कि अंदर हैं इस समय वो सब कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाते हुए नजर आएंगे। मनीष जी, जी ऐश्वर्या, मनीष जो लगातार ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हमारे पास फोटो के पिक्चर्स हैं, हमारे पास जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा पहुंचा है उसके सबूत हैं, हमारे पास गोवा चुनाव में पैसा जो खर्च किया गया उसके सबूत हैं, तो क्या इतने सारे सबूत होने की दलील देने के बाद भी अदालत ने जमानत दी है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जी देखिए सही, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। पहला कि ईडी के पास में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था।